दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और टुकड़े में। आज हम डिस्कस करने वाले एनसीसी लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 6 रुपए 80 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 2.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 244 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक आज के दिन ओपन होता है 252 रुपए पर, अपने जहां पर स्टॉक ओपन हुआ है वहां से लगभग 2 रुपए ऊपर हाई पर आता है 254 रुपए 30 पैसे का, और अपने हाई से लगभग स्टॉक के अंदर 10 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक ने आज के दिन लो बनाया है 242 रुपए 55 पैसे का। अपने लो से देखें तो स्टॉक लगभग 1.5 रुपए की रिकवरी दिखा चुका है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर्स में तो बायर क्वेरेंटी 2,24,950 क्वेरेंटी है, तो वहीं पर सेल्स क्वेरेंटी 12,62,508 क्वेरेंटी देखने को मिल रही है। तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स के नंबर देखें तो लगभग 5 गुने से भी ऊपर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर हम ट्रेड वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 48,46,000 क्वेरेंटी देखने को मिल रही है। तो आज के दिन स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी देखें तो काफी बड़ी मात्रा में है, परंतु स्टॉक के प्राइस में एक गिरावट देखने को मिल रही है जिसका सीधा संकेत है कि इस स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। आज के दिन बाजार में भी देखें तो लगभग 140 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से हर एक स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर ऊपर में एक टॉप बना था 276 रुपीज का, 276 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रही है, जहां पर स्टॉक का जो पिछला सपोर्ट लेवल था 255 रुपीज, जब स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक के अंदर और बड़ी करेक्शन देखने को मिलती है और स्टॉक नीचे में 238 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है। अब यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक बॉटम बन चुका है जहां पर स्टॉक ने लगभग 3 टाइम सेम प्राइस को रिटेस्ट करके स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया है और स्टॉक अब देखें तो एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहेगा, जहां पर ऊपर स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज बन चुका है 255 रुपीज पर और नीचे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 238 रुपीज। अगर स्टॉक 238 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है, पर जब तक स्टॉक इस प्राइस से ऊपर है स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। ऊपर भी स्टॉक जैसे 255 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है वहां पर स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, जहां पर ऊपर के टारगेट अराउंड 277 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।